हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई है वो जोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि अभी सीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम है और उसके बाद ही उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम भी है। ठीक है, हम कर रहे हैं उत्तराखंड की जीके, और इससे पहले वाली वीडियोज में हम एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री उत्तराखंड की कर चुके हैं कम्प्लीट, और आज से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, और इसमें 4 से 5 वीडियोज़ में ये कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप ये वीडियोस देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेंगी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और ये बेसिकली प्रीलिम्स में आपके काम आएंगी ही आएंगी, मेंस में भी आएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मेंस में 2 मार्क्स के और 5 या अभी तो थोड़ा चेंज कर दिया 5 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसे पॉइंट्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं, मतलब पॉइंट्स पूछ लेते हैं वो लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन बताइए गोरखास का, या कोई राजा का रूल बताया तो उसमें सोसाइटी बताइए कैसी थी। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप इन नोट्स को। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न उत्तराखंड हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है 1790 से पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस तक। पहले हम पढ़ लेते हैं उत्तराखंड अंडर गोरखास। देखिए, एग्ज़ाम में ना आपके प्रीलिम्स मेन सब में एक क्वेश्चन गोरखास से होता ही होता है, क्योंकि जो गोरखास का रोल है उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन 1790 कुमायूं और 1804 में गढ़वाल जो है वो अंडर किनके अंडर आ गया था? गोरखा रूल्स के अंडर आ गया था। ठीक है, और किंग रूल करते थे फ्रॉम नेपाल थ्रू गवर्नर। ठीक है, नेपाल से रूल करते थे बेसिकली, और किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, और गवर्नर को बोला जाता था सूबा और सूबेदार। ऐसा कहा जाता है कि जो फर्स्ट सूबा जो थे वो थे जोग मल्ला शाह, उसके बाद थे काजीनर। ऑन 14 मई 1804 प्रद्युम्न शाह जो है वो मारे गए इन बैटल विद गोरखास एट खुरबुरा, खुदबुदा इन देहरादून। हम पहले पढ़ चुके हैं ये मेडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद जो हुआ, गोरखास के हाथों में आ गया दोनों रीजन्स का रूल, जो कुमाऊ और गढ़वाल। 1814 में सुदर्शन शाह जो कि सन थे किनके? प्रद्युम्न शाह के। उन्होंने रिक्वेस्ट किया उस टाइम के जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेसिंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो गढ़वाल एरिया है वो हमारा इंडिपेंडेंट कराइए आप। तो जब इनको उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया तो जो ब्रिटिश आर्मी और गोरखास के बीच में वॉर हुई अक्टूबर 1814 में, और अगेन गढ़वाल जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ कब? 1815 में। कॉलोनल निकोलस एंड कॉलोनल गार्डनर ने किया था कॉनकर अल्मोरा। जनरल ऑक्टर लोनी ने वॉर्न किया था फोर्ट ऑफ मलाओ किससे? जो कौन थे? गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से इन्होंने कॉनकर किया था फोर्ट ऑफ मलाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने किया था और किससे लिया था ये फोर्ट। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 में हुई बैटल ऑफ अल्मोरा। देखिए, डेट्स भी आ जाती हैं एग्जाम में कि जो बैटल ऑफ अल्मोरा हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी या किस डेट को हुई थी, और उसमें ट्रीटी हुई कॉलोनल गार्डनर एंड नेपालीज गोरखा रूलर वामशाह के अंदर, और जो कुमाऊ रीजन है वो भी दे दिया गया ब्रिटिश को। ठीक है, इसमें दिया गया कुमाऊ रीजन ब्रिटिश को। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखा पैक्ट भी बोलते हैं इसे, एंड ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुई थी? 28 नवंबर 1815 में हुई थी, और जो सुगौली है ना, ये इस टाइम प्रेजेंटली कहाँ पे प्रेजेंट है? ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगौली किसके बीच में हुई थी? बिटवीन अमर सिंह थापा और ब्रिटिशर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे किसके बीच में हुई थी, कब हुई थी, और क्या निकला था इस पैक्ट में, मतलब रिजल्ट क्या निकला था, और इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ था? जो गढ़वाल और कुमाऊ अब दोनों क्या बन गए थे? पार्ट ऑफ ब्रिटिश राज। ठीक है, बैटल ऑफ अल्मोरा में कुमाऊ रीजन दे दिया गया था, और गोरखा पैक्ट में जो है गढ़वाल रीजन भी ब्रिटिश के अंदर आ गया, तो दोनों पार्ट हो गए पार्ट ऑफ ब्रिटिश राज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है वीडियो। देखिए, अगर आप लोग, मैं इसलिए बोलती हूँ ना कमेंट के लिए, मोटिवेशन मिलता है, और अगर कुछ कहीं कमी रह जा रही है तो आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, और आपके जो ग्रुप्स हैं जहाँ आप पढ़ रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की, उन्हें भी आप प्लीज़ शेयर कीजिए। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। कैसे भी आप उसे रिविज़न की तरह पढ़ें या कैसे भी पढ़ें इन वीडियोज़ को, बट पढ़िएगा ज़रूर, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ना पूरा ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे भी छोटी सी वीडियो होती है, दो दो तीन तीन पेज के नोट्स होते हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बहुत ध्यान से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है। मोर मिलिट्री नेचर दैन सिविल वन, मिलिट्री नेचर ज़्यादा था गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो कमांडर था, जैसे हमने पढ़ा इससे पहले, रूल करते थे नेम ऑफ सामंत सूबा, किंग रूल करते थे फ्रॉम नेपाल थ्रू गवर्नर कॉल्ड सूबा सूबा एंड सूबेदार। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने कॉपी नहीं किया था चांद एडमिनिस्ट्रेशन को, बल्कि क्या लेके आए थे, एक अपना एक नया ओन सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 3 टूल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन से थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, स्लेवरी, टैक्सेस और बेगार, ठीक है। गुलाम बना के रखते थे, इतना ज़्यादा टैक्सेस थे, अलग अलग तरीके के टैक्सेस थे और बेगार। स्टैंडिंग आर्मी वॉज अपॉइंटेड बाय द गोरखा पीपल ओनली। स्टैंडिंग आर्मी दो टाइप की होती थी, दो टाइप के सोल्जर्स होते थे इसमें, झगड़िया और ढाकरीजा। पावरफुल, इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गोरखा जो थे ना बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये था कि इनडिसिप्लिन बहुत थे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन मिलिट्री जस्टिस सिस्टम। मिलिट्री जस्टिस सिस्टम पे एडमिनिस्ट्रेशन इनका पूरा बेस था। जो केसेस सुने जाते थे ऑफिसर के द्वारा, उसे बोलते थे विचारी, और आर्मी हेल्प करती थी विचारीज की। विचारी का एक, विचारी क्या थी, एक ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी थी, एंड देयर वर नो नॉर्म ऑफ कंट्रोल ऑफ किंग ओवर हिम। कोर्ट एस्टैब्लिश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर किन तहसील्स में कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। तो श्रीनगर में, लंगूर में और चांदपुर में, कहाँ पे, गढ़वाल में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं कि विटनेसेस को बोलते हैं कि आप गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे, उस तरीके से इनके रूल में क्या था कि जो एक्यूज जो पर्सन होता था उसको बोला जाता था। बुक थी एक हरिवंश की, उससे वो पिकअप करे और जो भी बोलना है बोले, और टेस्ट भी होता था एक, जैसे बोलते थे अग्नि परीक्षा, जिससे पता चले कि सामने वाला गिल्टी है या फिर इनोसेंट है, और उसे नाम दिया गया था उन्होंने दिव्या। 3 टाइप की दिव्या थे बेसिकली, क्या था ये, एक तरीके से सज़ा देने का था, चीज़ें थी 3 टाइप्स ऑफ दिव्या, जस्ट गोला दीप, तराजू दीप, इस तरीके से। तो अभी हम पढ़ेंगे इन्हें। देखिए, छोटे छोटे टर्म होते हैं, ऐसे पूछ ले गोला दीप था उत्तराखंड की हिस्ट्री में, तो वो किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड था। गोला दीप में क्या करते थे, बेसिकली वही कि जो एक्यूज होता था उसको कुछ दूर तक चलना होता था, और उसके हाथ में एक गरम आयरन की रॉड पकड़ा दी जाती थी जलती हुई, और बोला जाता था कि कुछ दूर तक चलो। नेक्स्ट इज कढ़ाई दीप। कढ़ाई से जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, कढ़ाई दीप मतलब कि जो एक्यूज था उसके जो हाथ थे वो कढ़ाई में गरम, जिसमें क्या होता था, गरम खोलता हुआ ऑयल होता था, उसमें उसके हाथ डाल दिए जाते थे। तराजू का दीप, तराजू से समझ पा रहे होंगे, तराजू में क्या होता था कि जो एक्यूज होता था उसको, उसका वजन किया जाता, एक तरफ स्टोन्स होते थे, एक तरफ वो एक्यूज बंदा होता था, और नेक्स्ट डे अगर वेट इंक्रीज हो जाता था तो बंदे को क्या करते थे, इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता था। अदर इस तीर का दीप इसकी जो एक्यूज्ड है उसे तालाब में फेंक देना या पॉइजन दे देना, एक्सेट्रा। समझ पा रहे होंगे आप कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, कढ़ाई दीप, तराजू का दीप, गोला दीप, एक्सेट्रा। जैसे हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थे, तो उसमें एक टैक्स था। देखिए, टैक्स में उन्होंने क्या किया था गोरखाज ने, ओल्ड टैक्स के साथ साथ कुछ अपने न्यू टैक्स भी इन्होंने लगा दिए थे लोगों पे। जैसे कि कुशाही जो था वो ब्राह्मण्स पे लगाया जाता था, जो कि मेनली इन्वॉल्व होते थे पॉलिटिक्स में या फिर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में ऊंचा दर्जा जिनका होता था। पुनगांदी और पुगांदी एक लैंड रेवेन्यू था। सलामी, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, सलामी मतलब कि नजराना देना, हायर ऑफिशियल्स थे उन्हें। मौकार लगाया गया था चांद रूलर्स के टाइम पे, और इसे गिराई पिचादी भी बोलते हैं कुमाऊं में, और ये था टैक्स ऑन फैमिली।
घी कर मतलब मिल्च एनिमल्स पे लगाया जाता था ये टैक्स। मिझारी जो टैक्स था वो लगाया जाता था शिल्पकार्स पे या फिर जिनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी उन पर। सोनिया फागुन टैक्स था ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल, फागुन से आप याद रख सकते हैं। मारो उन लोगों पे लगाया जाता था टैक्स जिनका कोई बेटा नहीं होता था, ठीक है, हु डिडंट हैव अ सन। रहता टैक्स था उन पे लगाया जाता था जो लोग गांव से भाग गए हों, पीपल फ्लेड फ्रॉम विलेज। अमांगा इज टैक्स 1 रुपया पर यूथ लगाया जाता था, जितने भी जवान हैं वो 1 रुपया देंगे टैक्स का। देखिए कैसे अलग अलग से अजीब अजीब से टैक्स लगाए थे बेसिकली एक्सप्लॉइट करने के लोग लिए लोगों को। तो आई होप आपने ये पढ़ लिया हो अच्छे से, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ लेना और इम्पॉर्टेंट है गोरखास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गोरखास का जो रूल है उत्तराखंड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं की हो लाइक तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।